फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर कनिका कपूर बीते कुछ दिनों से और भी ज़्यादा तकलीफ में है। कुछ लोगों ने कहा कि आईसीयू में भर्ती है कनिका कपूर, कुछ लोगों ने कहा कि उनकी हालत और भी ज़्यादा गंभीर हो रही है, कुछ लोगों ने बताया कि कोरोना से संक्रमित कनिका को इस बीमारी से राहत नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, ये सच है कि कनिका इस बीमारी को लेकर 4 बार टेस्ट करा चुकी हैं, लेकिन अब भी कोरोना उनके शरीर से बाहर नहीं आया है। ऐसे में 5वीं रिपोर्ट का है इंतज़ार कनिका कपूर को। 5वीं रिपोर्ट में कनिका कपूर को क्या मिलेगा सुनने को वो बस उम्मीद कर रही है कि नेगेटिव ही रिपोर्ट आए, रिजल्ट आए, क्योंकि कोरोना वायरस से अगर नहीं निकल पाई वो बाहर तो उनकी चिंता, उनकी तकलीफ बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसे में हम आपको अपने इस रिपोर्ट में ये जानकारी ज़रूर देना चाहेंगे कि हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाला वो पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आई, बच्चों को लेकर बहुत तकलीफ़ में नज़र आई, बच्चों को याद करती नज़र आई। वेल, ये जानकर आप रो पड़ेंगे, लेकिन कनिका कपूर बच्चों की याद में तड़प रही हैं, क्योंकि अब तक वो बच्चों से मिल नहीं पाई हैं। हर महीने बच्चों से मिलने वाली कनिका को 5वीं रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें बच्चों से मिलने की याद और तड़पाएगी, क्योंकि इस बीमारी की वजह से ना तो वो बच्चों से टच कर सकती हैं, बच्चों को ना गले लगा सकती हैं, ना तो वो देश से बाहर जा सकती हैं आने वाले समय में। वैसे बताना चाहेंगे, कनिका ने ये पोस्ट शेयर किया, इसमें उनका दर्द छलका है किस तरह वो अकेले रोती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।